नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC देश की राजनीति के लिए संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसके विरोध व समर्थन में प्रदर्शन भी खूब हुए हैं। अभी भी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। अब इसी को लेकर एक बड़ा मामला बिहार के दानापुर में सामने आया है। दानापुर कैंट स्थित एक स्कूल में संचालित ज्ञान विज्ञान रैम्बो होम में छात्राओं को NRC और CAA कानून के बारे में जिस तरह पढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने विषय वस्तु एवं उसे पढ़ाए जाने के तौर तरीके पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। दानापुर थाना में कांड संख्या 258/21 में IPC की धारा 124A, 153A, 505(2) एवं अन्य के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में 3 पेज की चिट्ठी पटना SSP को भेजी थी। उसकी प्रति मुख्य सचिव DGP और पटना DM को भी दी गई है। इस चिट्ठी के आधार पर ही यह केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संस्था में रखे कागजातों को देखा तो पाया कि इनके जरिए स्कूल में नाबालिगों को देश में बने कानूनों के खिलाफ ऐसा बताया जा रहा था जैसे कानून उनके खिलाफ है। इसी के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने वहां रखे एक रजिस्टर में इन दोनों ही संवेदनशील कानून के खिलाफ कई बात लिखी देखी। आयोग का कहना है कि छात्र छात्राओं को भड़काते हुए संस्था के सदस्यों ने बच्चों को यह पढ़ाया है कि यदि कानून वहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। हमें जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह हमारे काम आ सके। इन कागजातों में घर का दस्तावेज ना होने पर बेघर करने की बात लिखी गई है जिसे आयोग ने भड़काने वाला माना है। आयोग ने यह भी कहा है कि रजिस्टर के पेज 76 से 78 तक में दोबारा ग्रुप मीटिंग का जिक्र है। इसके अनुसार 5 लड़कियों ने NRC और CAA के बारे में फिर से लिखा है। छात्रा ने जिस तरीके से लिखा है उसे आयोग ने देश के कानून के बारे में गलत तरीके से दी जा रही शिक्षा माना है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग के हाथ छात्रा का लिखा जो दस्तावेज लगा है उसमें छात्रा ने लिखा, मेरा नाम --- है, मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ और अपने फ्रेंड्स को पढ़ने को बोलती हूँ। मैं NRC के विरोध में हूँ क्योंकि हमारे पास घर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखेंगे। आयोग का कहना है कि ऐसी बातें बच्चों को देश के कानून के खिलाफ ले जाने वाली है, इसलिए केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर से लिखी गई इसी चिट्ठी को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस केस की छानबीन दरोगा रीना कुमारी कर रही है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 भोजपुरी की रिपोर्ट।